तो आज मेरे फ्रेंड ने मेरे को वापस इस वाले बेड रॉक प्रिजन में ट्रैप कर दिया है और मेरे को करना है एस्केप। सो बिना देरी करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक वेट स्पंज मिला है, फिर चेस्ट में मेरे को मिले हैं 27 आयरन नगेट और एक ओक लॉक और इसमें एक कूल मिला है। सो सबसे पहले तो मैं इस ओक लॉक का एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ और मैंने पता नहीं था EEQ सर्च करके रखा है और ये बन गया हमारा एक क्राफ्टिंग टेबल। इसको मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ और देखता हूँ कुछ बन सकता है, यानी 3 आयरन इंगट्स बन रहे हैं इससे। तो मैं जल्दी से 3 आयरन इंगट्स बना लेता हूँ, फिर उसकी एक मैं बकेट बनाऊँ या वापस से नगेट बनाऊँ। मैं एक काम करता हूँ, बकेट बना लेता हूँ आयरन इंगट्स की वापस से। फिर मेरे को आइडिया आ गया कि मेरे को यहाँ पे स्पंज रखना है और नीचे बकेट रखनी है। ये जब तक हो रहा है तब तक मैं क्राफ्टिंग टेबल और चेस्ट भी तोड़ लेता हूँ, क्योंकि पता नहीं बाहर जाके कब ब्लॉक प्लेसिंग में काम हो जाए क्राफ्टिंग टेबल और चेस्ट भी। और ये हमारा हो चुका है और मैं फर्नेस भी जल्दी से तोड़ ही लेता हूँ। जल्दी से टूट जा, जल्दी से टूट जा। फर्नेस तोड़ने की गैस मैं आपको खतरनाक वाली निंजा टेक्निक बताता हूँ। आपको सिर्फ बोलते रहना जल्दी से टूट जा, 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 टूट जा, टूट जा, टूट जा, टूट जा, टूट गया, टूट गया। चलो हार्श फर्नेस टूटा तो सही लास्ट में जाके। और भी यहाँ पे मैं वाटर बकेट डालता हूँ और मैं स्विम करके वापस, अरे स्विम का है नहीं हो रहा मैं, हाँ ये मैंने मैंने भग लिया आई मीन वाटर में। और मैं जल्दी से अब ये वापस ले लूँ। ओ शिट, नहीं, इसके पीछे प्लीज पानी होना नहीं है यार गाइस, सीरियसली मैं ऐसे वाटर बकेट से राइट क्लिक करने जा रहा था, उसके पीछे मैंने स्पंज से राइट क्लिक कर दिया यार, सीरियसली। और इस चेस्ट में हमको ये सारी चीज़ें मिली है एस्केप करने के लिए। सो मेरे को एक लावा बकेट भी मिल रखी है और सैंड। ओ मेरे को एक आइडिया आ गया, 6 ग्लास से शायद से 16 पैनल्स बन जाते हैं। तो मैं लावा बकेट रख के सैंड को स्मेल्ट कर लेता हूँ, तब तक मैं देखता हूँ इन सारी चीज़ों का क्या करना है। सो मैं चेस्ट को तोड़ देता हूँ ताकि मेरे को एक एक करके सारी चीज़ें लेनी ना पड़े। सो ये दूसरी चेस्ट भी जल्दी से टूट जा, ये टूट गई दूसरी चेस्ट भी। और मैं स्काफोल्डिंग बना सकता हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता उसका कुछ काम आएगा। सो मैं स्टिक्स बना लेता हूँ जल्दी से। सो ये बन गई मेरी थोड़ी सी स्टिक्स, कितनी बनी रहे, 5 बनी, अभी 2 और बना लेता हूँ और शायद सब लैडर्स भी बन जाएंगे। ये सब लैडर्स भी बन जाएंगे। और मैं एक वाइट वूल भी बना लेता हूँ और जो चीज़ ब्रिजिंग में काम नहीं आती उसे मैं थोड़ा ऊपर की ओर ही रख लेता हूँ, और फिर जो चीज़ ब्रिजिंग में काम आती है उसे मैं नीचे रखता हूँ। और 2 चेन्स भी बन रहे तो मैं ये भी बना लेता हूँ, ब्रिजिंग के काम आ जाएंगे 2 चेन्स। और फिर अब तो शायद मेरा ग्लास भी पिघल चुका होगा, यस। और जब तक ग्लास ना पिघले तब तक हम थोड़ा डांस कर लेते हैं। पाँच 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 जिम्पिंग पू सस्ते नशे, जल्दी डांस करो जल्दी जल्दी। ओ अब तक शायद पिघल चुका होगा, बहुत बदमाशियाँ कर ली। और या अब हमारा ये भी पिघल चुका है, मैं इससे बना लेता हूँ 16 ग्लास पेन्स और ये बन गए। अब मैं क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ कर डायरेक्ट ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये तोड़ा मैंने क्राफ्टिंग टेबल, ये हुआ मैं क्राउच और 1, 2, 3 चेस्ट रख दी हमने। फिर हम क्राफ्टिंग टेबल रखेंगे, फिर हम एक रेड स्पंज धर देंगे, फिर हम 2 चेन लगा देते हैं। और ये पता नहीं एक चेन मैंने साइड में क्यों लगा दी, ये टूटती है क्या चेन हाथ से, आई मीन टूटती तो होगी शायद लेकिन मिलती है क्या, देखते हैं अपन लोग मिलेगी या नहीं चेन हाथ से तोड़ने पर। अरे यार ये क्यों हो रहा है, जल्दी टूट जा, 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 जल्दी टूट, जल्दी टूट, जल्दी टूट। गाइस आप थोड़ा स्किप कर देना क्योंकि मेरे को लग रहा है आपको ये थोड़ा बोरिंग लगेगा। गाइस कमेंट में बताना मैं तोड़ उससे पहले कि ये चेन मिलती है या नहीं हाथ से तोड़ने पर। टूट जा, 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 टूट जा। ओह यार टूट तो गई लेकिन मिली नहीं यार, तब गंदी बात हो गई। अब हम थोड़ा ऊपर चलते हैं जल्दी से, ये वाइट वूल लगा दिया हमने। फिर हम जो है ग्लास पेन से चलते हैं ऊपर, ये हम ग्लास पेन, हमने ग्लास पेन से ब्लीजिंग करना स्टार्ट कर दिया है जल्दी से। और ये हमने, हम बहुत ऊपर तो आ ही चुके हैं और बस हमें ये 3 लैडर्स लगाने हैं और एक शायद से MLG करनी है, फिर हम एस्केप कर लेंगे। और ये MLG कर दी मैं बन गया, लेकिन आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा।